वेदों पुराणों और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों में माँ दुर्गा के निमित्त श्रद्धा भक्ति भाव से देवी कवच का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। नवरात्रों में देवी दुर्गा के देवी कवच का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का प्रमुख मंत्र है, जिसको करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके जाप करने से जीवन में आए सभी दुख कष्ट माँ दूर कर देती है। नवरात्रों में देवी कवच को लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री, सुनिए। देव्या कवचम ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः अग्निः सूक्त मात्रो दिगबंधस्त देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठांगत्वेन विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच यद् गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिद्याख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमेश्चैव भयार्ता शरणं गता। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि। यस्तु स्मृता भक्त्या नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते ये त्वां श्रुवन्ति देवेशि रक्षसि तान् संशय। साधु चामुंडा वाराही महिषासुना ऐन्द्री गरूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी समारूढ़ा कौमारी सिखी वाहना जी। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मस्ता हरि प्रिया जी। जैसा कि हमने देवी कवच का उच्चारण किया तो जैसा कि नवरात्र प्रारंभ होंगे तो आम आदमियों को ये नहीं मालूम दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम ऐसे ही साधारण रूप से करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। जैसा कि जब दुर्गा सप्तशती प्रारंभ होती है पूजा पाठ से पहले जो अन्य नित्य नैमित्तिक कार्य पूजा में जो करते हैं उसको करने के पश्चात सबसे पहले देवी कवच का पाठ करना अति अनिवार्य है। तो कवच का मतलब होता है रक्षा। जब हम देवी माँ की पूजा आराधना अर्थात उसका पाठ करते हैं तो जो कवच से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती और माँ देवी हमें कोई श्राप नहीं देती और माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। जो तो देवी कवच का लाभ ये है, जब भी हम देवी कवच प्रारंभ करेंगे और इसके बाद संपूर्ण पाठ को पूरा करते हैं तो देवी कवच से हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है और हम निर्विघ्नता पूर्वक दुर्गा सप्तशती के 9 दिन तक के पाठ को निर्विघ्नता पूर्वक पूरा करते हैं और माँ देवी की कृपा अपार कृपा बनी रहती है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में धन धान्य की कमी नहीं आती, घर घर क्लेश से भी हमें मुक्ति मिलती है।